अदील साहब, आपने देखा है कि मौजूदा गवर्नमेंट ने हेलमेट की पाबंदी तो करवा दी, उस पर इम्प्लीमेंट भी हो गया और लोगों ने पहनना भी शुरू कर दिया और उनको अवेयरनेस आ गई कि वाकई ड्राइविंग के दौरान, मोटरसाइकिल की ड्राइविंग के दौरान हेलमेट ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ लाहौर की सड़कों पर देखने में आ रही है, एक तो कम उम्र लड़के जो हैं वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं और दूसरा जो है वो वन व्हीलिंग, ये हेलमेट से भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने ठीक कहा और थोड़ी आपकी तस्दीक करता चलूं कि ये हुकूमत वक्त का स्टांस ज़रूर ये था, मगर ये लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के फैसले पे हुआ। और उधर वो जो डॉक्टर्स की, पंजाब के डॉक्टर्स की तरफ से जो रिपोर्ट जमा करवाई गई कि हेड इंजरीज का काजेज हेलमेट का ना होना है, और फिर CTO मलिक लियाकत साहब ने भी बड़ी उसमें कारगुजारियाँ पेश की हेलमेट के वास्ते, तो मुझे बाबा बुले शाह साहब के दो बाबा सॉरी वारिस शाह साहब के दो मिसरे याद आ रहे हैं। वो अगर किसी से नथी ना किया जाए, आगे मैं जो बोलूँगा तो मैं सुना देता हूँ, क्योंकि वो वैसे ही मेरे जहन में आ रहा है, चंद चीज़ें वैसे ही इंसान का करने को जी चाहता है। तो ये लेकिन ये नहीं मुझे समझ आ रही कि ये हेलमेट वाले फैसले से और फिर ये वन व्हीलिंग वाली बात से मुझे न जाने क्यों ये दो मिसरे याद आ रहे हैं। वो कुछ यूं है जी, प्याऊत कतूतियां मारना है, जरा ठाक जुबान नु गंदे आवे, तेरियां खड़बड़ियां छिलतना साफ हो सन, जदों चाड़ खराद ते रंदे आवे। अब ये वैसे ही मेरे जहन में आया। अच्छा, अब चलते हैं वो ये बात की आप तरफ। यानी कि पॉलिटिकल की तरफ जाएं तो ये आप उस तरफ लेके गए हैं इसको, और नॉन लीग को बीच में आप लाना चाह रहे हैं, नहीं मैं तो इस किसी तरह का है तरफ कुछ? नहीं, मैं देखें, मैं एक जर्रा बुलंदी को छूने निकला था, हवा ने थम के जमीन पे गिरा दिया मुझको, मैं जमीन पे नहीं गिरना चाहता। अब हाई कोर्ट का भी तो फैसला था, आप भूल गए हैं। अब बिल्कुल ये फैसला करने वालों ने फैसला सादर कर दिया कि हेलमेट पहना जाए जी, बिल्कुल, और माल रोड पे पिछला पिछला भी पहने चुके। कानून तो ऑलरेडी पहले ही मेजर जो काजेज ऑफ इंजरीज हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं है। जी बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताइए, सिंध में HIV के 370 से ज्यादा केसेस सामने आ गए, जिनमें 80% बच्चे हैं। बिल्कुल। अब हम अगर सिंध गवर्नमेंट ये करे कि वो जो तमाम बाकी मानदा लोग सिंध के बच गए, उन्हें ये कहें कि जनाब आप ऐसा करें कि आप ना अपना ये ब्लड ट्रांसप्लांटेशन करवाते जाएं, और बंदे पूछें क्यों भाई हम तो सेहतमंद हैं, वो कहें इसलिए कि ये अगर आपको एड्स होगा ना तो उसके उससे आप थोड़ी बचत हो जाएगी, क्योंकि ब्लड ट्रांसप्लांटेशन से एड्स के बाद भी थोड़ा बंदा सरवाइव करता है। जी, ये कोई बात है? आप नहीं। यानी वो सिम्टम्स को ही ना रोकें कि एड्स फैला क्यों। बिल्कुल। आप उस बीमारी की, दुनिया भर में यही होता है कि वो जो सिम्टम्स हैं उनके रूट्स रूट काजेज को खत्म एलिमिनेट किया जाता है। बिल्कुल। इन लोगों ने भले ही बसद एहतराम लाहौर हाईकोर्ट लाहौर ने हेलमेट पहना दिया, CTO साहब ने, जी, वो राय मलिक मलिक लियाकत साहब ने, हमने उनके साथ प्रोग्राम भी किया था आपको याद हो जी, तो, जी, बिल्कुल, और वो उन्होंने भी बड़ी सिफारिशात भेज दी। तो भाई मुझे ये बताइए कि जो काजेज ऑफ, जो सिम्टम ऑफ ये एक्सीडेंट्स हैं, जी, उनको तो बंदिश करने का कुछ नहीं किया गया। 18 साल का कानून मौजूद है, 18 साल से कम उम्र ड्राइवर मोटरसाइकिल नहीं चलाएगा, मोटर व्हीकल नहीं वो चलाएगा, मगर वो चलाते हैं। फिर वन व्हीलिंग का कानून मौजूद है, मगर वो इतना घिसा पिटा है कि यूं वन व्हीलिंग करते हुए आप पकड़े जाएं, वो जमानत बेल आउट हुए वापस आ जाएं। आपने ना, हमारी अदलिया ने ना, CTO साहब ने ना, डॉक्टर्स ने ये रिकमेंडेशंस दी कि भाई इस ये जो कानून है कम से कम अगर इसमें इतना ही कर दिया जाए कि जिस तरह अगर पतंगबाजी पे 7 साल का बच्चा बिहाइंड बार जो हो सकता है कि पर्चा कट सकता है, तो फिर ये एक मशीन है ना, मोटर बाइक, और खतरनाक मशीन है, उसको बड़े ब्रूटल तरीके से हैंडल किया जा रहा है, बच्चे को पता ही नहीं। इधर ये कानून नहीं बन सकता कि बच्चा 5 दिन से पहले जमानत ही ना हो। इधर ये कानून नहीं बन सकता कि मोटर बाइक उसके बाप का है या भाई का है या चचा का है, किसी का भी है, वो 4 रोज तक बंद ही रहे, वो तब तक बाहर ही नहीं आ सकता। बाइक के ओनर को भी पकड़ना चाहिए ना, यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं गुजारिश कर रहा हूँ। मुझे तो समझ नहीं आई कि ये ऊत कुतुत यही वजिया ने बकोल बाबा वारिस शाह कि आपने रूट काजेज हैं जो एक्सीडेंट्स के, उन्हें आपने फरामोश कर दिया है, और आप हेलमेट पहनाने पे चल निकले और वो कानून आपने बना दिया है। माल रोड पे आप पीछे भी बाइक
जो बैठा है हेलमेट नहीं पहने के चालान होगा, इसका मतलब ये है मुझे इनके इंटेंशन से किसी के भी मलिक लियाकत के या सबके नीयत पे शक नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे इनकी नीयत में कोई नाअहली ज़रूर थोड़ा एलिमेंट नज़र आ रहा है, बसद एहतराम इन तमाम किरदारों के, कैरेक्टर्स के जिन्होंने ये कानून बनवाया। लेकिन बात ये है कि ये कानून मज़ेका खेज नहीं है कि आप पैनाडोल पहले से खिलाते शुरू कर दें कि भाई ये क्यों खिला रहे हैं, भाई आपको बीमार अगर आप बुखार होगा ना आप भले चंगे हो जाएंगे, ये नहीं कर रहे कि बुखार हो ही ना। अदील साहब मैं यहाँ एक बात करना चाहूँगा, आप देखें ये भी देखने में आया बाज़ मरतबा अभी रोड पे हम गुजरते हैं तो किसी अगर बच्चे को कोई वार्डन खड़ा कर लेता है तो वो फौरन फ़ोन पे या तो वो किसी अफसर से बात करवाएगा या किसी वो पुलिस का वो रिश्तेदार होगा तो वो बेचारा वार्डन जो है वो डरते हुए उन्हें छोड़ देता है, तो ऐसी भी तो कोताहियां हैं ना इसमें। बिल्कुल ऐसी कोताहियां हैं, लेकिन ऐसी कोताहियां लाहौर माल रोड लाहौर पे क्यों पेश नहीं आती जी, वहाँ पे तो खावर गुलजार भी जाए और अपना प्रेस कार्ड भी दिखाए, वो कहते हैं सर आप पानी पिए काबिल एहतराम है लेकिन चालान होगा सर, नहीं हम छोड़ नहीं सकते, हेलमेट नहीं पहना, हुक्म है जनाब हाई कोर्ट का, हुक्म है CTO साहब का, तो ऐसा ही इम्प्लीमेंटेशन दूसरी जानब क्यों। और जो बात आपने कही थी मुझे, मैं अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं रख पा रहा, वो बात तो मौजू सुखन से हट गई, आपने ठीक कहा, कल गुज़िश्ता रोज संडे को ये लाहौर केनाल पे बच्चे वन व्हीलिंग कर रहे थे, 12 से 14 बरस के दरमियान उम्रें थी और जिस तरह रैश ड्राइविंग कर रहे थे वो ना सिर्फ अपनी जानों का ज़ियां कर बैठते हैं बल्कि दूसरों का भी नुकसान का वो पेश खैमा बनते हैं। और बात ये है कि ये जो ये हमारी अदलिया है, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, इदारे हैं, ये क्या ये कानून ऐसा नहीं बन सकता? मैं फिर से कहता हूँ अगर 7 साल का बच्चा पाबंदे सलासिल हो सकता है कि जनाब इसने वो पतंगबाजी की, तो ये बच्चा क्यों नहीं हो सकता? इसका मतलब ये है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई हेलमेट ही बेचने थे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि इनको वार्डन्स को या इनको कानून नाफज करने वाले इदारों को क्या ऐसा इकदाम करना चाहिए कि इसकी रोकथाम हो सके? वार्डन्स कुछ नहीं कर सकते, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। कानून नाफिज करने वाले इदारे जिस तरह CTO साहब ने रिकमेंडेशंस दी थी लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में, CTO साहब को चाहिए और तमाम दूसरे लोगों को भी चाहिए, लॉ इन्फोर्समेंट जिसमें पुलिस फोर्स आती है उसको भी ये इख्तियार होना चाहिए कि रैश ड्राइविंग पे अगर FIR कटती है तो वो भी इसको उसे भी स्ट्रेंथन किया जाए कि वो भी इस तरह का कानून साजी छोटी सी की जाए। ये तो मैं बताता चलूँ, ये तो कानून साजी पहले से ही मौजूद है, इन्होंने किए ये कि जो वन बिलिंग है उसके ऊपर 302 या 307 इकदामे कत्ल का पर्चा दर्ज किया जाएगा बच्चे पर भी और उसके वालिद और पर आज भी। तक आपने कितने देखे? मैंने तो आज तक कभी। वजह ये है कि उस पर अमल दरामद में, दूसरी बात रैश ड्राइविंग का वो घसी पिटी एक दफ़ा मेरे जहन से भूल गई है, आपको पता है उसकी एक दिन तो क्या अगर वो ये कचहरी के टाइम में हो तो उसी वक्त उसकी जमानत हो सकती है, उसको भाई सख्त करें। ये क्या है कि जुर्माना क्या है जी उसका? मैक्सिमम 1000 या 2000 और हेलमेट ना पहने माल रोड पे तो 1000 रुपया। तो भाई ये क्या, ये अकलमंदी है, ये दानिशमंदी है कि माल रोड पे हेलमेट ना पहनो तो 1000 रुपया और रैश ड्राइविंग का भी 1000 रुपया या मैक्सिमम 2000 रुपया जो काज ऑफ अननेचुरल डेथ बनता है, एक्सीडेंट का बनता है, तो ये कानून साजी की जरूरत है और जो अमल दरामद की भी जरूरत है। जिस तरह ये इन्होंने हेलमेट पे करवा दिया, खुदा रहा इस पे करवाए, उन बच्चों को नहीं पता जिनको आपने इंडिकेट किया और जो फुटेज हमारे नाजरन देख रहे होंगे, ये इन बच्चों को नहीं पता, वो ना सिर्फ अपनी जान से खेल रहे हैं बल्कि दूसरों की जानों से भी खेल रहे हैं। और हम कैसे आकिल बालिग लोग हैं कि हमने हेलमेट पर जोर दे दिया मगर ये नहीं किया कि वो बच्चे डर जाएं, उनके वालदन डर जाएं। जिस तरह आपने कहा है कि वो जो ऑनर ऑफ बाइक है वो अभी 3 दिन रोज कम से कम 3 रोज के लिए वो नॉन अवेलेबल ऑफेंस करार दिया गया। गवर्नमेंट जब शहबाज शरीफ CM थे पंजाब के, उन्होंने तो अखबार में इश्तहार भी दिए थे कि जो वन व्हीलिंग कर रहा है, रैश ड्राइविंग कर रहा है, उसकी आप व्हाट्सएप पर तस्वीर सेंड करें, हम फौरी अमल करेंगे। तो अब क्या ये इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा जी? उन्होंने इश्तहार वाकई अरबों के दे दिए थे जी जी, मगर हज़ारों का भी इम्प्लीमेंट नहीं था हुआ। जिस तरह उन्होंने पुलिस की तरफ उसकी वजह क्या इम्प्लीमेंट ना होने की? उसकी वजह ये है कि वो क्या कहते हैं कि वो स्पिरिट नहीं है। जिस तरह के ये देखें, अब कहना पड़ेगा ये रेवेन्यू जनरेशन की बात थी हेलमेट, ये हेलमेट को पहनाना और क्या सिर्फ ये लाजम व मलजूम सिर्फ आपको पता है आज तक भी माल रोड पे है कि अगर पिछली सवारी भी पहनेगी दूसरे रोड्स पे एक्सीडेंट नहीं होते भाई, वहाँ पे मोटर बाइक्स चलती हैं,
ये हमारा इंटेंशन वो नहीं अच्छा, है। अदील साहब मैं आपको एक बात बताता चलूँ, कुछ अर्सा मेरा दुबई में गुजरा है, तो वो उस चीज़ का मैं मुआवजा करना चाह रहा हूँ पाकिस्तानी कौम के साथ। वहाँ पे अगर कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है या कोई रोड के ऊपर कोई ऐसा गैर कानूनी हरकत कर रहा है, तो जो वहाँ के लोकल लोग हैं ना, जो लोकल अरबी लोग हैं, वो फौरन कॉल करते हैं मुतलका काम को कि भाई ये वायलेशन हो रही है रोड पे, और फिर मुतलका गाड़ी जो ड्राइव कर रहा है, जो जिस नंबर पे नाम पे गाड़ी है, उसको उसी दौरान फ़ोन भी आ जाता है। मेरे साथ भी एक दो दफ़ा हुआ, वो फ़ोन आ जाता है कि जी आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं या आप पे ये इम्प्लीमेंट हो गया या कानून आप पे ये लग रहा है और इसको आप पे ये जुर्माना लग चुका है, मैसेज आ जाता है मोबाइल पर। तो क्या पाकिस्तान में लोगों में ये हिबुलवती नहीं जा सकती है कि अगर वो किसी को वायलेशन करते हुए देखें तो फ़ौरन कॉल तो करें कम अज़ कम। बात बड़ी वो मतलब आपने गहरी बात कर दी, और उसका जवाब कुछ इस तरह का है कि फिर वो बकोले गालिब देखी हो, गालिब से घर उलझा कोई है, काफिर खुला और वली पोशीदा। ये खुला कुफर आपको लगेगा, ये कौम वो कौम ही नहीं है भाई। लेकिन अब तो इन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया है इसको सारा। चंद चंद बड़े लोग कहते हैं कि हमें अभी कौम का टाइटल ही नहीं देना चाहिए। नहीं, जब 1947 में पाकिस्तान लिया उस वक्त तो हम कौम वैसे कौम ही थे ना भाई, उस वक्त थे। तो अब आपको क्या लगता है, आपने अभी जो इंडिकेशन किया, जो वीडियो पीछे चलाया बच्चों का, क्या आपने ये नहीं देखा आपकी और मेरी हम असर यानी हमारे हम उम्र लोग इतनी इतनी निकर्स पहन के अपनी बेगमा को मोटर बाइक पे पहना के जा रहे होते हैं? इज दिस कॉल्ड द नेशन? गाने गाते हुए ये मानना पड़ेगा, अभी हमें नेशन बनने में बड़ा टाइम दरकार है और उसके लिए डंडे की भी जरूरत है।